आईपीएल 2023 के ऑक्शन के बाद अब सभी टीमें यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन की तैयारियों में लग चुकी। इसी सिलसिले में अब आईपीएल को लेकर पांच बड़ी खबरें, पांच बड़े अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं पांच बड़ी खबरों, पांच अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि आईपीएल से पहले आखिर कौन से पांच बड़े अपडेट्स आखिर अचानक से यहाँ पर कौन कौन सी टीमों की तरफ से निकल कर आए। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन के बाद यहाँ पर क्या पांच बड़े अपडेट्स, क्या पांच बड़ी खबरें निकल कर आती है। तो जो पहली बड़ी खबर निकल कर आई है वही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल पंत के यहाँ पर आईपीएल से बाहर हो जाने के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कन्फर्म्ड कर दिया कि यहाँ पर इस टीम के लिए या तो मनीष पांडे या फिर फिल सोल्ट में से कोई एक यहाँ पर विकेट कीपिंग करेगा और दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ पर डेविड वार्नर कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पृथ्वी शो को वाइस कैप्टन के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक तरीके से चार से पांच बड़े अपडेट्स निकल कर आए जहाँ पर मनीष पांडे या फिर फिल सोल्ट में से कोई एक विकेट कीपिंग करेगा और डेविड वार्नर अब इस टीम की कप्तानी करेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर इस टीम की तरफ से एक हिंट मिले कि यहाँ पर पृथ्वी शो यहाँ पर फ्यूचर कैप्टन के रूप में ग्रूम किए जाएंगे। तो पृथ्वी शो इस टीम के नए वाइस कैप्टन रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अपडेट्स की। तो दूसरा अपडेट निकल कर आता होता आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम ने बता दिया कि आईपीएल 2023 के एडिशन में ये टीम दो जर्सीज का प्रयोग करेगी। एक जर्सी तो जो इस टीम की यहाँ पर रेड कलर की वो हमें देखने को मिलेगी, रेड और ब्लैक कलर की एक जर्सी देखने को मिलेगी, और जो दूसरी जर्सी रहेगी वो प्रॉपर ब्लैक कलर की रहेगी। आप अपनी स्क्रीन पर वो जर्सी की फोटोज और वीडियोस देख पा रहे होंगे। इस प्रकार की ब्लैक जर्सी का ये टीम आईपीएल में प्रयोग करेगी जहां पर इस साल ये टीम दो जर्सीज का प्रयोग करेगी। होम मैचेस में अलग जर्सीज का प्रयोग करेगी, अवे मैचेस में अलग जर्सी का प्रयोग करेगी। तो इस प्रकार की जर्सी आरसीबी की टीम के मोस्ट लाइकली अवे मुकाबलों में देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको आरसीबी की आखिर कैसी है ब्लैक जर्सी लगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर तीसरे अपडेट की। तो तीसरा अपडेट, तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल की स्टार्टिंग डेट को लेकर। दरअसल आईपीएल की स्टार्टिंग डेट फाइनली यहां पर रिवील हो चुकी है। 1 अप्रैल से आईपीएल की शुरुआत होगी। बीसीसीआई ये कंफर्म कर चुका है कि 1 अप्रैल को आईपीएल का शुभारंभ होगा। राजस्थान इसके साथ ही गुजरात टाइटंस के मुकाबले के साथ आईपीएल का शुभारंभ हो जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस साल के आईपीएल एडिशन का पहला मुकाबला होगा। तो यहां पर आईपीएल की पिछले साल की फाइनलिस्ट टीमें इस साल यहां पर पहला मुकाबला खेलेगी। अब बात करते हैं चौथे अपडेट की, चौथी यहां पर खबर की। तो चौथा अपडेट है वो आईपीएल के शेड्यूल को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने ये बता दिया कि बीसीसीआई ने शेड्यूल की प्लानिंग शुरू कर दी है, शेड्यूल पर काम करना शुरू कर दिया है। फरवरी में यहां पर शेड्यूल रिवील हो जाएगा, फरवरी में यहां पर शेड्यूल लॉन्च हो जाएगा। फरवरी में पता चल जाएगा कौन सी टीम अपने होम ग्राउंड में कितने मैचेस खेलेगी, किस प्रकार से कैसा आखिर शेड्यूल रहेगा। तो फरवरी में शेड्यूल रिवील हो जाएगा। आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेड्यूल जानने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवें अपडेट और आखिरी अपडेट की। तो जो पांचवा अपडेट है वो चेन्नई को लेकर। दरअसल चेन्नई की फ्रेंचाइजी बेन स्टोक्स को इस साल आईपीएल के मिडवे में कप्तान बना देगी जहां पर आधे मुकाबलों में एमएस धोनी कप्तानी करेंगे, बचे हुए आधे मुकाबलों में यहां पर बेन स्टोक्स कप्तानी करेंगे ताकि बेन स्टोक्स को फ्यूचर कैप्टन के रूप में ग्रूम किया जाए। हालांकि बेन स्टोक्स के पास ऑलरेडी कप्तानी का एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड की ये कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुकाबलों में इनको कप्तान बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर भारतीय स्थिति में, यहाँ पर भारतीय परिस्थिति में ये कप्तानी का एक्सपीरियंस ले सके, एमएस धोनी के अंडर ये कप्तानी का एक्सपीरियंस ले सके। तो आईपीएल को लेकर ये पांच बड़े यहाँ पर धमाकेदार अपडेट्स या फिर पांच बड़ी खबरें निकल कर रही है। आप कमेंट करके बताइए आईपीएल 2023 के एडिशन में आप कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे, कौन सी टीम को इस साल आईपीएल की आप विनर बनते हुए देखना चाहते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।